हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आज हम बात करेंगे शिवम ऑटोटेक लिमिटेड के बारे में एंड देखेंगे कंपनी का क्या फाइनेंशियल है, क्या बिजनेस मॉडल है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं पर्टिकुलर इस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरी आपको कोई एडवाइस नहीं है कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें। आपको जो भी कुछ करना हो प्लीज़ अपना ड्यूलेंस वापस कर लें। सो हम कंपनी की वेबसाइट पर जा रहे हैं एंड हम यहाँ पे इनके कंपोनेंट देख के प्रोडक्ट क्या क्या बनाते हैं। तो ट्रांसमिशन गियर एंड शाफ्ट में बनाते हैं ये लोग, स्टार्टर मोटर कंपोनेंट बनाते हैं, अल्टरनेटर बनाते हैं कंपोनेंट एंड स्टीयरिंग कंपोनेंट बनाते हैं। इनके चार पांच ये सेगमेंट में बिजनेस करते हैं। दिस इज द बिजनेस ऑफ द कंपनी और मेनली, और इनका ज़्यादा कुछ बिजनेस नहीं है, बस यही प्रोडक्ट ये लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं। और देख लेते हैं इनके तकरीबन यहाँ पर देखें तो पांच इनके स्टेटिक लोकेशन है, गुड़गांव, हरिद्वार, मानेसर, बेंगलुरु एंड रोहतक में इनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर हैं। और प्रोडक्ट सेगमेंट में मैंने आपको बताई है स्टार्टर मोटर गियर शाफ्ट एंड कंपोनेंट अल्टरनेटर एंड जो गाड़ियों में उपयोग होता है वो इनके कंपोनेंट है। एंड अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल रेवेन्यू 90% इंडिया से आता है, थोड़ा बहुत आउट ऑफ इंडिया से आता है। एंड और साथ साथ में अगर हम देखें बेसिकली इनके जो जो क्लाइंट बेस है, क्लाइंट बेस ठीक ठाक है। क्लाइंट में इनका मारुति सुजुकी है और मोंडो, यामा, ये इनके क्लाइंट हैं, हीरो मोटर को वगैरह। एंड बट ये सब चीज़ है, बट मुझे कंपनी ने 2022 में राइट इशू भी लाया है एंड 40 करोड़ का। दीज आर द मेन थिंग इज दैट कंपनी का बिजनेस है। एंड अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल के ऊपर। कंपनी के ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, जितने लिमिटेड प्रोडक्ट हैं उसी में काम कर रही है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जो इंजन जो प्रॉपर कन्वेंशनल इंजन थे उनसे रिलेटेड रहते हैं। स्टॉक का करंट प्राइस 26.90 रुपये है। अगर हम बात करें कंपनी की मार्केट कैप 328 करोड़ है और करंट प्राइस 26.90 रुपये बताया है। स्टॉक का 52 P का हाई 50 रुपये, 20 P लो गया है। स्टॉक का P कुछ है नहीं, कंपनी लॉस में है। बुक वैल्यू 10 रुपीज़ है, डिविडेंड कुछ सर्व नहीं करती। ROC 6.12 है, ROE नेगेटिव है। फेस वैल्यू 2 रुपये, इंडस्ट्रीज का P/E 24 है और बाकी सब फाइनेंशियल आपको दिए गए। फाइनेंशियल के हिसाब से देखिए कंपनी की हेल्थ अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। एंड अब बात कर लेते हैं जब से बेसिकली ये शेयर 2018 से डाउन ट्रेंड में ही था। और अगर हम इसका P/E देखेंगे, मेडन P/E देखेंगे तो ये कंपनी लॉस में ही है 2017-18 से 16 से। तो दिस इज द मेन थिंग इज दैट कि कंपनी लॉस में काफ़ी लॉन्ग टाइम से एंड नीचे ही शेयर आ रहा था, बट जैसे कोविड आया है कोविड में और नीचे आ गया। बट जैसा लोगों ने सोचा कि सारे शेयर शायद ऊपर चले जाएंगे, वो ऐसा इसके साथ तो गलत हो गया। बिकॉज लोग जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी इस रेंज पे या 50 के रेंज 40 के रेंज में, वो लोग आज ट्रैप में फंसे बैठे हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। तो दिसंबर 2019 से लेके दिसंबर 2022 के बीच में सेल्स लगातार घट रही हैं। अगर हम देखें 143 से 103 करोड़ की इनकी सेल्स आई है, तो सेल्स लगातार गिर रही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है कंपनी, ठीक ठाक है, चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मान लेते हैं। और कंपनी के पास लोन भी ज़्यादा है, इंटरेस्ट भी हैवी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तकरीबन हर क्वार्टर में इनका 12 से 13 करोड़ इंटरेस्ट पे हो रहा है। और कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। इवन पिछले 3 साल से कंपनी हर क्वार्टर में लॉस ही है। एक आध क्वार्टर जिसमें आ गई वो माना नहीं जा सकता, बिकॉज जब आपकी एक आध क्वार्टर लॉस में आए तो समझ में आता है, बट एक आध क्वार्टर प्लस में आ रहा है पिछले 12 क्वार्टर में, तो ये समझने वाली बात है। एंड अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो कंपनी 2011 से मार्केट में लिस्ट है, सॉरी कंपनी 2011 से मार्केट में है या फाइनेंशियल अवेलेबल है। तो 2011 से कंपनी की सेल्स एज सच नहीं बढ़ी है। 263 से तकरीबन 12-13 साल में 467 आई है। और अगर आप देखें तो मार्च 2018 में थोड़ा थी, 19 से तो लगातार इनकी सेल्स गिर रही है। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में ये पिछले ईयर से भी कम दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है, बट कंपनी के पास लोन भी अच्छा खासा है और लोन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे अगर आप देखें ना, 21 करोड़ से इंटरेस्ट अभी 50 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट पे आउट कर रहे हैं। तो कंपनी 2017 से लगातार लॉस में है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। एक आध क्वार्टर एक आध ईयर समझ में आता है, अगर उनके उनके कुछ चार्ट समझ में आते हैं, कुछ फाइनेंशियल और समझ में आते हैं, कुछ एक्सपेंशन प्लान समझ में आते हैं तो समझ सकते हैं। बट बिजनेस सेगमेंट ऐसा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं और भी कई सारे कंपोनेंट आ रहे हैं, तो उन चीज़ों में ये चीज़ कैसे बीट स्टार्ट हो पाई आई डोंट नो एंड आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल्सो, बिकॉज कंपनी 6 साल से लॉस में है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल से लॉस में आ रही है। तो 8 साल से कोई लॉस में आ रहा है, मुझे लगता है उसकी कोई टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ से प्ले आउट कर सकती है।
बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल भी बढ़ा है, 24 करोड़ का हुआ है। इन्होंने एक IPO लाया था एंड राइट इशू बोलते हैं बेसिकली, एंड रिजर्व भी इनके पास 101 का है और रिजर्व लगातार कम हो रहा है। देखिए ना, कंपनी के लॉस सेल्स कम हो रही हैं, नेट प्रॉफिट 8 साल से आ नहीं रहा है और कंपनी के रिजर्व लगातार कम होते चले जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे 2017 से इनके रिजर्व लगातार कम हो रहे हैं और अभी कंपनी के पास लोएस्ट की लोएस्ट कर पर रिजर्व इनके जा रहे हैं। बोरिंग लगातार बढ़ रही है, बिकॉज 193 से इनकी बोरिंग लगातार इंप्रूव होती चली जा रही है। तो बोरिंग बढ़ने से जिस कंपनी के पास टोटल मार्केट कैप ही 328 करोड़ की है और वो कंपनी के पास लोन भी तकरीबन 374 करोड़ का लोन है, तो जितनी मार्केट कैप नहीं उससे ज़्यादा तो लोन लेके बैठे हैं। एंड अगर बात करें इनके पास फिक्स असेट, तो फिक्स असेट इन्होंने फिक्स असेट भी गिरता चला जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, 379 हो गया। ठीक है, कुछ डेप्रिसिएट होता है और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ऐसा कुछ है नहीं है मेरे हिसाब से। कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, 75 के आसपास है और इसमें FIDI कोई नहीं है। FI के पास थोड़ा बहुत है, 0.01, तो वी कैन से दैट दिस इज द जीरो। एंड बाकी की शेयर होल्डिंग जो है ना वो पब्लिक के पास है, 25। पब्लिक में भी कोई नहीं है, सारे मुझे लगता है रिटेल लोग ही फंसे बैठे हैं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न पर। सो चार्ट में अगर देखेंगे आप, तो सबसे मेन थिंग इज दैट कि जब कंपनी लॉस में आती है तो फिर आपको थोड़ा सा अटेंशन हो जाना चाहिए कि थोड़ा फिर आपको रीड आउट करना चाहिए, फिर फ्यूचर से लिंकअप करना चाहिए, बिजनेस कितना बड़ा है क्या है। तो जब कंपनी 2018 में 100 रुपये के आसपास जब ट्रेड करती थी और फिर इसका रिजल्ट इसके खराब आते गए, तो हर बार लोअर से नीचे लोअर ही लगा है। और अभी जो कंपनी जो ट्रेड कर रही है, दिस इज द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ लगभग 26 रुपये के आसपास। ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस बनाएगा या यहाँ से कुछ ऊपर जाएगा, बिकॉज नीचे का ही फिगर बन रहा है। यहाँ से कोविड से तो अपर सर्किट लग के चला गया, लोगों ने ये समझा कि नहीं, दिस इज द हमको कोहिनूर का हीरा मिल चुका है और अब इससे करोड़पति बन जाएंगे। आपको फाइनेंशियल समझना है, एक कंपनी लगातार 6-7 साल 8 साल से लॉस में आ रही है, हाउ कैन अर्न यू, कैसे आप अर्न करेंगे, वो कैसे आपको कमा के देंगे, क्या बिजनेस बढ़ा पाएंगे। तो कंपनी लगातार नीचे जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर और भी नीचे जा सकता है, बिकॉज जैसे ही रिजल्ट आएंगे इसके इस क्वार्टर के तो और नीचे पिटेगा। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द शिवम ऑटो टेक के बारे में मैंने आपको वीडियो बना के बताया। तो मेरे हिसाब से एज पर माय ओपिनियन, आप इसमें बेचें या खरीदें कृपया अपना डिलीज करें, पर मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर करिए, बिकॉज इस टाइप की नॉलेज से कहीं ना कहीं लोगों को पैसा हार्ड अर्न मनी बचती है और सही जगह इन्वेस्टमेंट हो पाता है और आदमी थोड़ा सा सीख के इन्वेस्टमेंट करता है। चलिए, बाय।